गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो हमारी रिवीजन सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और बच्चे लोगों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के फास्ट ट्रैक रिवीजन के ऊपर बात कर ली थी और जरूर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आप लोगों के सामने है चैप्टर नंबर थर्ड, कंसिडरेशन। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक माना जाता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में आया कंसीडरेशन का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी के हिसाब से। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब बच्चों, ये जो लाइन बार बार आपको देखने को मिलेगी, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डस और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो ये वही लाइन है जो आप पहले से पढ़ के आए हैं, मतलब टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यानी जहां पे प्रोमिसर की डिजायर पर प्रोमिसर ने टू डू किया या नॉट टू डू किया, यानी कि कुछ किया या नहीं किया या करने का प्रोमिस किया। जो तीन चीजें इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, बराबर। तो अल्टीमेटली हमारी पुरानी वाली डेफिनेशन ही है, बस कुछ अलग फॉर्म के अंदर आप लोग यहाँ पे उसको कंसिडरेशन को देख रहे हो। तो डेफिनेशन से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप जानते हो कंसिडरेशन तीनों टाइप के हो सकते हैं। अल्टीमेटली वही चीज है कि एक बंदा दूसरे बंदे के लिए क्या कर रहा है, टू डू या नॉट टू डू कर रहा है, यानी किसी काम को करने का या नहीं करने का पॉइंट इसके अंदर अपना कवर है। और ये सब होगा प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर, बराबर। बहुत सिंपल सा है, किसकी डिजायर पर होगा, प्रोमिसर की डिजायर पे होगा। और ये काम करेगा कौन, प्रोमिसी करेगा या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी करने वाला है। तो सिंपल सी हमारी डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों, अगर इसके एसेंशियल्स के ऊपर बात करें फटाफट से, तो फर्स्ट पॉइंट वही डेफिनेशन से निकल के आया, कंसिडरेशन हमेशा 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 प्रोमिसर की डिजायर पर होगा। अगर मैंने आपको कहा I want to sell my car in 10 lakh, तो ये कार और ये 10 lakh का जो consideration है, ये मैंने decide किया, it means consideration हमेशा promiser की desire पर होगा, बराबर। अगर कहीं पर भी कोई voluntary consideration होता है, मतलब आपने बिना मेरे offer की अगर मेरे लिए कुछ काम कर दिया, it's called simple voluntary act, समझिएगा। offer के बाद acceptance होना चाहिए, बराबर। अगर मेरे बिना ऑफर किए आप अपनी मर्जी से मुझे कुछ कंसिडरेशन पे कर देते हैं, मेरे लिए कुछ कर देते हैं, तो वो लॉ के हिसाब से कंसिडरेशन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, बराबर। बहुत सीधी सीधी सी बात हुई। तो वॉलंटरी कंसिडरेशन और कंसिडरेशन एट द इंस्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी, समझिएगा, बराबर। मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे लिए कोई मोबाइल बुक करवा दिया है, मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे लिए किसी मोबाइल का ऑर्डर कर दिया है, अब वो मोबाइल डिलीवर करने वाला पर्सन मुझे मोबाइल डिलीवर करके मुझसे पैसा डिमांड करता है, तो मैं कहूंगा भाई साहब हम आपके हैं कौन, बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन मेरी डिजायर पर नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ ऑर्डर किया ही नहीं था, मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर किया, भाई जाके उससे पैसा लो, मुझसे क्यों ले रहे हो, बिकॉज थर्ड पार्टी की डिजायर पे अगर कुछ भी है तो वो कंसिडरेशन की कैटेगरी के अंदर आने वाला नहीं है, बराबर। बहुत सीधा सा हो गया, ठीक है। या वॉलंटरी आपने अपना एक पुराना वाला एग्जांपल था, आप याद करो अपने एग्जांपल को कि भाई मुझे जैन सर ने बोला कि आप यहाँ पे लॉ पढ़ाओगे, और अगर मैंने अपने इंटेंशन से अपनी मर्जी से अकाउंट्स पढ़ा दिया तो यहाँ मुझे कोई कंसिडरेशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन हमेशा 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 प्रोमिसर की डिजायर पर होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इट्स योर फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कंसिडरेशन हमेशा मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। चलिए जी, इट नीड नॉट बेनिफिट फॉर द प्रोमिसर हिमसेल्फ। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए मोबाइल बुक करवा दिया और मुझे मोबाइल की सप्लाई हो गई, तो मेरा फ्रेंड यहाँ पे प्रोमिसर है, प्रॉमिसी यहाँ पे मोबाइल डिलीवर करने वाला है, पर मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बेनिफिशियरी हूँ बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे फ्रेंड ने अपने फायदे के लिए ये मोबाइल नहीं परचेज किया, मुझे गिफ्ट करने के लिए परचेज किया। इट मींस हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर के बेनिफिट के लिए हो जरूरी नहीं है। मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया कि आपके पेरेंट्स आपके लिए सामान खरीदते हैं, पे वो करते हैं, प्रोमिसर वो है, लेकिन बेनिफिट आप लोग लेते हो, बराबर। हमारी कोचिंग की फीस आपके पेरेंट्स ने भरी है, लेकिन बेनिफिट आप लोग ले रहे हो, तो इसका मतलब प्रोमिसर खुद के फायदे के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ अगले दो पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, कंसिडरेशन बच्चों लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, ऐसा कुछ रियल नहीं है, अगर फेक है, इल्यूजरी है, तो चीजें हो ही नहीं सकती हैं, तो वो कंसिडरेशन वैलिड होने वाला नहीं है, बराबर। अच्छा, कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसका लॉ की नजर में कोई वैल्यू हो। अपना पुराना एग्जांपल था कि आपको किसी ने आशीर्वाद दिया, बच्चे ये लो 500 रुपया दो, बदले में आशीर्वाद लो, ब्लेसिंग्स ले लो मेरी,
ब्लेसिंग्स को हम लॉ की नजर के अंदर इन द आईज ऑफ लॉ कंसिडरेशन नहीं बोल सकते, इसलिए वो वैलिड कंसिडरेशन होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जनरली कंसिडरेशन वही होगा जिसका मॉनिटरी वैल्यूज हो, बच्चों ये अपने को ध्यान में रखना। चलिए जी नेक्स्ट पे आए, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इज नो कंसिडरेशन। बच्चों बहुत पुराना पॉइंट है, याद करिए इस पॉइंट को। If you are already bound to do something, अगर आप किसी काम को करने के लिए ऑलरेडी बाउंड है, उसके लिए कोई भी अलग कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होगी। बराबर, ध्यान से समझना। दो तीन एग्जाम्पल हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लास में भी इस पर बात किया, हर बार आपको मैंने बोला। एक तो सबसे पहले आपको मैंने सलमान के केस का एग्जाम्पल दिया था, याद करिए, है ना, कि अगर मैं यहाँ पे जोधपुर में सलमान का केस लड़ रहा हूँ और सलमान मुझे 2 करोड़ की फीस पे करते हैं, बराबर, और 2 करोड़ के बदले में मुझे करना क्या है, उनके लिए केस लड़ना है। केस किस लिए लड़ना है? ताकि मैं उस केस को जिता सकूं। अब अगर वो मुझे 1 करोड़ का और प्रॉमिस करते हैं कि 1 करोड़ और लो और केस को जिता दो, तो वो जो 1 करोड़ मुझे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, बच्चों किस चीज के लिए? उसी चीज के लिए जिसको करने के लिए मैं ऑलरेडी बाउंड हूं। मैं केस हारने के लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, बराबर। तो जो काम करने के लिए आप ऑलरेडी बाउंड हो चुके हो, जो आपका एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, उसके लिए अलग कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि भाई मुझे आपने फीस पे किया, क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब कोई कहता है सर एक्स्ट्रा फीस ले लो और अच्छा पढ़ा दो, मैं ऑलरेडी आपको अच्छा पढ़ाने के लिए बाउंड हो चुका हूं बच्चों। तो जो चीज एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, उसके लिए भाई कोई कंसिडरेशन होने वाला अलग से नहीं है। बराबर, एग्जाम्पल से याद रखोगे। नाउ कंसिडरेशन एडिक्वेट, बहुत जोरदार पॉइंट है बच्चों, आप लोग सब जानते हो कंसिडरेशन बस कुछ होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। सर इस पॉइंट का मतलब क्या है? बच्चों 10,000 की चीज अगर मैं 1,000 रुपए के अंदर खरीद के लेके आ गया, तो कहां दिक्कत हो रही है? बस कुछ होना चाहिए, है ना। बस इसके पीछे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रोमिसर की डिजायर यही है और कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अगर मैंने जबरदस्ती से कोर्जन यूज करके, अंडू इन्फ्लुएंस यूज करके, फ्रॉड यूज करके अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है, तो आप जानते हो फिर वो फ्री कंसेंट वाले में चला जाएगा, अवॉइडेबल के अंदर। अदरवाइज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 10,000 के गुड्स अगर प्रोमिसर के साथ 1,000 रुपए 1,000 रुपीज की डीलिंग पे अगर मेरी हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एब्सोल्युटली वैलिड। Now, consideration, बहुत जोरदार पॉइंट आता है बच्चों, may be furnished by the promisee or any other person, अभी हमने किया था, बराबर। अब वापस से इसको समझो, consideration, promisee, desire किसकी होगी? Promiser की होगी। लेकिन consideration provide करने वाला कौन होगा बच्चों? Promisee भी हो सकता है या कोई और person भी हो सकता है। और इसके लिए best case है बच्चों चेन्नैया वर्सेज रमैया का, जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बराबर। अब अगर किसी को चेन्नैया वर्सेस रमैया का केस डिटेल में समझना है, और कई लोगों को इसके साथ में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला कंफ्यूजन है, तो बच्चों मैंने अलग से उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है, बराबर। मैं सारे एक्स्ट्रा वीडियोस के लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको इस केस को समझना है डिटेल के अंदर कि सर ये केस क्या था और ये स्टैंडर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है और क्या है, तो आप उस वीडियो को जाके सुनिए जो स्पेशली अपन ने इसी टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ है। तो बराबर, तो यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप वहां से अलग से मैंने सेटअप किया है, वहां से बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो कंसिडरेशन प्रॉमिस ही दे या उसके बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है, कोई और भी प्रोवाइड कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अगेन अपना वही पॉइंट, कंसिडरेशन टू डू और नॉट टू डू के लिए होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी हो सकता है बच्चों, जो दे दिया गया है वो एग्जीक्यूटेड हो गया और जो अभी देना बाकी है वो एग्जीक्यूटरी हो गया, ऑलरेडी अपन पढ़ करके आए हैं। 3 तरह के कंसिडरेशन बच्चों अपने यहाँ होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? अ प्रॉमिसेस गिवन बाय अ पार्टी बिफोर द प्रॉमिसेस मेड। बच्चों बहुत सिंपल बात समझना, जहां पे द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस गिवन बाय अ पार्टी बिफोर द प्रॉमिसेस मेड, यानी प्रॉमिस करने से पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन दे चुकी है। सर कैसे? अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था, अगर आपने मेरे लिए कोई वॉलंटरी एक्ट कर दिया, अपनी मर्जी से मेरे लिए कोई काम कर दिया, तो मैं आपको पेमेंट करने के लिए कहीं पर भी लायबल नहीं हूं, बराबर, क्योंकि आपने वॉलंटरी एक्ट किया मेरे लिए। बहुत सीधा सा है, कैसा एक्ट किया आपने? वॉलंटरी। लेकिन अगर एक्ट करने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आई एम रेडी टू पे, कि मैं आपका पैसा आपको चुका दूंगा, तो हमारे बीच में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको किस चीज के लिए प्रॉमिस कर रहा हूं? एक ऐसी चीज के लिए जो आप ऑलरेडी मेरे लिए कर चुके हो,
तो जो चीज आप ऑलरेडी मेरे लिए, भाई आप आए और आपने आकर के मेरी बाहर गाड़ी पड़ी थी उसको साफ कर दिया, मैंने देखा भी नहीं आपको कि आप कब आए और कब आपने गाड़ी साफ की, बढ़िया गाड़ी वाड़ी साफ करके आप बाहर बैठ गए मेरे घर के, मैं सुबह सुबह उठा बाहर आया तो आप बैठे हुए थे, आपने गाड़ी वाड़ी साफ कर दी, आपने वॉलंटरी एक्ट किया बच्चों, मैं उसके लिए पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, समझिएगा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बन रहा है मेरे ऊपर, बराबर। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि बगैर मेरी डिजायर के आपने वो काम मेरे लिए कर दिया है, बराबर, न मैंने देखा न मुझे पता, बराबर, आपने मेरे लिए किया। अब सवाल ये है, ये वॉलंटरी एक्ट है, आपकी तरफ से वॉलंटरी एक्ट है, मैं पे करने के लिए लायबल नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि चलो ठीक है शाम को आना 100 रुपए में आपको इसके लिए दे दूंगा, तो इसका मतलब क्या निकलता है बच्चों? सीधा सीधा सा, मैं एक ऐसे काम के लिए कंसिडरेशन ऑफर कर रहा हूं जो आप मेरे लिए ऑलरेडी कर चुके हो, यहाँ पे पास कंसिडरेशन का हमारा मैटर सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई लोगों को लगा सर ये तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मैटर हो गया, सर बच्चे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मैटर यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे इस तरह, मैंने आपको पहले भी कहा था ऐसे तो कोई भी आदमी आकर के मेरे घर के बाहर पेंट करके चला जाए और सुबह बोले लाओ पैसा निकालो, तो इस तरह तो मैं कैसे काम चलेगा मेरा, बराबर सर। लेकिन वो क्वासी के अंदर पड़ा था ना, आपके लिए कुछ काम किया उससे आपको बेनिफिट हुआ और करने का इंटेंशन फ्री में करना नहीं था बच्चों, वहां बाई एक्ट तो कहीं ना कहीं मेरी कंसेंट होती, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस केस के अंदर बच्चों में कहीं पर भी उस पॉइंट को इससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेंगे, दोनों चीजें अपनी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, बराबर। ये प्योरली कैसा एक्ट है? वॉलंटरी एक्ट है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, प्रेजेंट कंसिडरेशन के सारे एग्जांपल तो अपन पढ़ते ही हैं, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को एक टाइम पे कंसिडरेशन दे दिया, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। और फ्यूचर का मतलब बच्चों एग्जीक्यूटरी की तरह हो गया, दोनों पार्टीज आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, 10 दिन बाद कार डिलीवर करेंगे, 10 दिन बाद पैसा देंगे, इट्स कॉल्ड सिंपली फ्यूचर कंसिडरेशन। सिंपल से आपके पॉइंट हो गए। नाउ बच्चों फटाफट से आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सर प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है तो दोनों एक दूसरे पर सूट फाइल करेंगी, कोई दूसरी पार्टी सॉरी तीसरी पार्टी बीच के अंदर नहीं आएगी। If there is a contract between you and me, I have right to file suit against you as well as you have right to file suit against me, लेकिन तीसरा बीच में नहीं आएगा। ये अपना सीधा सीधा सा फंडा था। So, और इसका example क्या है? बच्चों example याद करिए, याद करिए, याद करिए। Simple example हमारा था कि मैंने आपसे 50,000 रुपीस उधार पे लिया और अपना कुछ सामान अपनी गाड़ी आपके पास में मैंने mortgage कर दी है, यानी papers आपके पास रख दिए होंगे, मान लीजिए गाड़ी अभी भी मेरे पास है। अब यहां मैंने सेम गाड़ी किसी को 55,000 में सेल कर दी, बराबर याद आया आपको एग्जांपल, मैंने गौरव सर को सेल कर दिया, गौरव सर 55,000 में गाड़ी पकड़ो, सिंपल एक काम करना 5 मुझे दे दो, 50,000 आपको दे दे वो जिनसे मैंने लोन लिया है। अब आप और गौरव सर एक दूसरे के लिए स्ट्रिंजेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते, है ना। अब प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए था, मुझे वो 55,000 गौरव सर से लेने चाहिए थे, 50 आपको देने चाहिए थे, गाड़ी के पेपर्स लेने चाहिए थे और गौरव सर को डिलीवर कर देने चाहिए थे, बराबर। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब आपके पास पेपर पड़े हुए हैं लेकिन गाड़ी तो बेच चुका हूं मैं, तो यहाँ एक दूसरे पर आप लोग सूट फाइल नहीं कर पाओगे। हाँ, आप भी मुझ पे करिए, गौरव सर भी मुझ पे करेंगे, मैं उन पे करूंगा जो कुछ भी है, लेकिन आप और गौरव सर एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, बराबर। अपने राइट्स के लिए आप उनके ऊपर या वो अपने राइट्स के लिए आपके ऊपर, कल को वो आपको 5,000 रुपया 50,000 रुपया नहीं देते, आप उन पर सूट फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। कल को वो 50,000 आपको दे रहे हो और आप गाड़ी के पेपर उनको नहीं दे रहे हो तो वो भी आप पर सूट फाइल नहीं कर पाएंगे बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट जैसा मैंने कहा, सेम पॉइंट आप लोगों का मैंने स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वर्सेज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन के नाम से बनाया हुआ है, तो आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा अगर इस पॉइंट में कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन लगता है। नाउ अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट, बराबर। बहुत सिंपल हो गया। अभी भी मैंने आपको कहा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं करेगा, सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी उसी को केस करने का राइट मिलेगा, लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन केस कर सकता है। सर ये कौन सा? ये अगेन जनेया वर्सेज रमैया है, उसी को कहते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, बराबर। तो फिर से बोलूंगा, कहीं पर भी छोटा सा भी कंफ्यूजन है तो बच्चे वीडियो देखो वो वाला, और आपको सारे कंफ्यूजन वहां से दूर हो जाएंगे आपके। नाउ अब इस पॉइंट के कुछ एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन में क्या होगा? बेटा एक्सेप्शन के अंदर ये होगा कि एक ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है लेकिन फिर भी लॉ कहता है बेटा तुझे सूट फाइल करने का राइट हम देते हैं, और जो लॉ कहता है वो फाइनल है, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। चलिए जी, इसका फर्स्ट पॉइंट सबको आता होना चाहिए पॉइंट, ट्रस्ट बच्चों। जहां पे ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, इफ देयर इज अ पर्सन, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बच्चों सेटलर और ट्रस्टी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी बेनिफिशियरी के लिए है, तो आप लोग सब जानते हो बेनिफिशियरी को सूट फाइल करने का राइट मिलेगा। सर एग्जांपल बता दो बच्चे, एग्जांपल पुराना 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 एग्जांपल, यहां से मैंने कुछ गुड्स भेजे कोरियर किए पूना भेजने के लिए, बराबर। यहां से मैंने कोरियर वाले को गुड्स दिए, बेटा इसका पूना में डिलीवरी कर देना, मैं यहां पे कौन हूं? सेटलर हूं, बराबर।
उस कोरियर का पैसा भी मैं पे कर रहा हूं, बराबर। तो मैं सेटलर हूं, कोरियर कंपनी वाला ट्रस्टी है, बराबर। बेनिफिट वो बंदा है जो पुणे में गुड्स को रिसीव करेगा। अब समझना, अगर ये गुड्स रास्ते में लॉस्ट हो गए बच्चों, खो गए, तो वो जो कोरियर वाला है उसके अगेंस्ट में केस करने का मुझे तो राइट है ही है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है। लेकिन जो बेनिफिशियरी पुणे के अंदर है, ही हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट कोरियर वाला, उस पर ये भी केस कर सकता है, बिकॉज लॉ परमिट करता है। कल को कोरियर वाला ये नहीं कह सकता कि हम आपके कौन, बराबर, तुम हमारे हो कौन, भाई हम अजनबी है, हमारे ऊपर कैसे केस कर रहे हो। तो वो कहेगा, सर लॉ ने पावर दिया कि मैं बेनिफिशियरी था, मुझे केस करने का राइट मिलेगा। चलिए बच्चों, सेकंड पॉइंट, फैमिली सेटलमेंट। बहुत सीधा सीधा सा एग्जांपल है, फैमिली सेटलमेंट जो रिटर्न के अंदर आ गया, वसीयत बन गई बच्चों। तो जो पार्टी वहां पे मौजूद नहीं है, स्ट्रेंजर है, तो भी उसको उसके सारे राइट्स मिलने वाले। आपको याद हो तो मैंने इसको और मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ एचईएफ को मिक्स किया था। मैंने आपको कहा था कि वसीयत में पापा ने लिख दिया कि मरने के बाद मेरी एसेट का कुछ पार्ट मेरी डॉटर को भी मिलना चाहिए, बराबर। अब माना कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फादर और सन के बीच में, लेकिन यहाँ पे भी डॉटर के फेवर के अंदर है, बराबर। फैमिली सेटलमेंट का मैटर है, रिटर्न में आ चुका है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो शी हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट ब्रदर फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। सेम वैसे ही अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई फीमेल मेंबर है और उसके मैरिज के एक्सपेंसेस के लिए प्रॉमिस कर दिया जाता है बच्चों, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं हो, वही एग्जांपल, पापा ने अपने बच्चों को पैसा दिया तो या तुम्हारी बहन बड़ी हो जाए तो शादी कर देना, तो उसको सूट फाइल करने का राइट रहेगा। आप लोग सब जानते हो, एक्नॉलेजमेंट, बोलो, सहमति देना, कंसेंट देना, इफ वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्नॉलेज द पेमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी, यस, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों एग्जाम्पल 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 याद रखो, मैंने आपको पैसा दिया किसी और को देने के लिए, बराबर। याद आया आपका पुराना एग्जाम्पल, मैंने आपको पैसा दिया, क्यों दिया, कि ये पैसा उस थर्ड पार्टी को दे देना। अब उस थर्ड पार्टी और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट में कोई सूट फाइल नहीं कर सकती है, बराबर। लेकिन अगर आपने उस थर्ड पार्टी को एक्नॉलेज कर दिया कि सर ने पैसा दिया है तुम्हारे लिए, हमसे ले लेना, उस केस में अगर आपने पैसा नहीं दिया तो थर्ड पार्टी हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट यू फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। इट इज अ मैटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। फटाफट से कर रहे हैं बच्चों, मैंने आपको कहा था इट इज फास्ट ट्रैक रिविजन वीडियो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वीडियो देखने से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा हुआ है, बराबर। एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ फटाफट हम लोग रिवाइज करते जा रहे हैं कि यस सर, यस सर, यस सर, ये एक्नॉलेजमेंट वाला पॉइंट हमारा वो था। नाउ बच्चों, असाइनमेंट वाला पॉइंट, बेस्ट एग्जाम्पल, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन इज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ट एग्जाम्पल मेरे साथ में याद कर लो सर, कौन सा वाला, सर इंश्योरेंस वाला एग्जाम्पल बच्चों, जो था इंश्योरेंस कंपनी का, बराबर। मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया और मैंने अपना इंश्योरेंस करवा के अपने नॉमिनी के अंदर मान लीजिए अपनी डॉटर का नाम लिख दिया है, बराबर। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कौन हो गया, बहुत सीधा सीधा सा है, मैंने अपने राइट्स अपनी डॉटर को ट्रांसफर कर दिए, यानी कल को अगर मैं नहीं रहूं तो शी हैज राइट टू फाइल सूट। सर सूट क्यों फाइल करेगी, बाय चांस इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे, या चलो रिफ्यूज भी नहीं कर रही है, भाई मेरा और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रीमियम मैं भर रहा हूं, पैसा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मैंने अपने राइट बच्चों असाइन कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, किसको, मेरी डॉटर को ट्रांसफर कर दिए, अगर कल को मैं नहीं रहता हूं तो शी हैज राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो ये पॉइंट बेनिफिशियरी की तरह से। अच्छा, आपको इसमें मैंने बेस्ट एग्जांपल एक और दिया था बच्चों, मैंने आपको कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आप लोग सब पढ़ करके आए हो और आप लोग सब जानते हो ये पर्सन ड्रॉवर की कैटेगरी में हो गया, सॉरी ड्रॉई ने एक बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को दिया है और ड्रॉवर ने आगे इसको एंडोर्स करके पे को दे दिया है, बराबर। अब प्रैक्टिकली बी ने अपने राइट सी को ट्रांसफर कर दिए और आप लोग सब जानते हो ड्यू डेट पर सी हैव राइट टू रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम ए, जबकि ए और सी आपस में एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है बच्चों, बिल्कुल अजनबी है, लेकिन फिर भी केस करने का राइट मिल रहा है बच्चों। क्यों मिल रहा है, क्योंकि बी ने अपने राइट सी को असाइन कर दिया, इट इज अ मैटर ऑफ असाइनमेंट ऑल्सो, यस। नाउ बच्चों, कन्वेंट रनिंग विद द लैंड, बच्चों इसके ऊपर एक बहुत जोरदार वाला क्वेश्चन जो है वो मैं अपने क्वेश्चन वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ बच्चों, तो मैं सारे क्वेश्चन वीडियोस के लिंक भी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, उसमें जाइए क्वेश्चंस को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, ये कंडीशन रनिंग विद द लैंड का पार्ट तो हमने ऑलरेडी पहले से किया है। सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दो बच्चों, बहुत सीधा सा है, कन्वर्ट का मतलब हो गया सम कंडीशंस। तो अगर कोई भी कंडीशंस हैं जो किसी लैंड के साथ में है और वो जमीन सेल कर दी जाती है, तो जो परचेजर ऑफ लैंड होगा वो उन ड्यूटीज से बाउंड हो जाएगा, बराबर। कोई लैंड में आपको, अच्छा उस एग्जांपल में अपने मेन क्या था, वो जो क्वेश्चन है कि एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल करी है, लेकिन उसको बोल दिया कि इसका एक पार्ट जो है वो मेरे सन का रहेगा,
बराबर। तो परचेजर जो है वो उस कंडीशन से बाउंड हो चुका है, भले ही परचेजर का सेलर के सन के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन आप उसके लिए बाउंड हो चुके हो। तो ये इसके एग्जाम्पल में था, ये बेनिफिशियरी वाले में भी जाता है, और ये एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे भी हमारा पूरा पूरा कवर है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बराबर, तो बहुत सिंपल सा हमारा मैटर हो गया, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। या मैंने आपको एक टैक्स का एग्जाम्पल दिया था बच्चों, कि अगर लैंड के साथ में कोई टैक्स अटैच है और हमने यहाँ पे सीधा सीधा सा बता दिया है, किसको बता दिया है भाई, किसको बता दिया, परचेजर को बता दिया है कि भाई साहब टैक्स जुड़ा हुआ है, तो अब वो परचेजर उसको पेमेंट करने के बाउंड हो जाएगा। वेदर गवर्नमेंट का और परचेजर का डायरेक्ट टैक्स के लिए लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी परचेजर बाउंड है बच्चों, आप लोग ध्यान रखोगे। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट की तरफ से किए जाते हैं तो हमेशा उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड होता है, ये पॉइंट अपना इसमें कवर है, किया एजेंट ने लेकिन बाउंड प्रिंसिपल होगा। तो ये सारे वो मैटर है बच्चों, जहां पे थर्ड पार्टी को भी केस करने का राइट मिलता है। ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज एक्सपेंसेस, एक्नोलेजमेंट हो गया, असाइनमेंट हो गया, कंडीशन रनिंग विद द लैंड हो गया, एज वेल एज एजेंट के साथ वाले कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर है। बराबर, चलिए बच्चों चैप्टर का एकदम आखिरी पॉइंट आता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सबको पता है बच्चों, सबको पता है बराबर, कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। लेकिन सेक्शन 25 कहता है कि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, और पहला एक्सेप्शन आप लोगों का फेवरेट, सुपर फेवरेट, अगर कोई भी एग्रीमेंट बनता है नेचुरल लव और अफेक्शन पर। सर, ये नेचुरल लव और अफेक्शन कैसे आता है बच्चों, इसके लिए बहुत जरूरी है कि दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उनके बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे लोगों, नियर रिलेशन होना चाहिए भाई, नियर वाला रिलेशन। सर, नियर रिलेशन कैसे आता है, पड़ोसी के साथ आता है क्या? नहीं आता है बच्चों, या तो ब्लड रिलेशन होगा या मैरिज के बाद जो रिलेशंस बनेंगे, वाइफ हो गई या इन-लॉज हो गए, वो सब इसके अंदर कवर हो रहे हैं। बराबर, फिर एक ने दूसरे को प्रॉमिस किया लव और अफेक्शन की वजह से, लव और अफेक्शन, लव है अफेक्शन है, इस वजह से किया है, और बढ़िया बात है रिटर्न रजिस्टर्ड करवा दिया गया है, रिटर्न साइन एंड रजिस्टर। बच्चों अपना पुराना एग्जांपल, पापा ने प्रॉमिस किया बेटा फाउंडेशन पास करो, फाउंडेशन पास कर लेते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तुमको जो चाहिए गाड़ी चाहिए हम लाके देंगे, पुराना एग्जांपल है अपना, है ना। तो यहाँ पे नियर रिलेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। सेकंड नंबर, पापा ने प्रॉमिस क्यों किया, आपके साथ लव है, आपके साथ अफेक्शन है, लेकिन आप होशियार निकले, आपने पापा को बोला, पापा जो बोला है उसको लिख करके दे दो, उन्होंने लिख के साइन करके दिया, आपने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, यानी स्टैंपिंग करवा ली, उसके स्टैंप पेपर पे लिखवा लिया। नाउ अभी बच्चों यहाँ पे कंसिडरेशन क्यों नहीं है, बिकॉज आपके पापा आपको गाड़ी दे रहे हैं, बदले में आप क्या दे रहे हो, कुछ नहीं। अरे सर हम भी तो दे रहे हैं ना उनको, सीए पास करके दे रहे हैं बच्चों, ऐसी चीजें इन द आईज ऑफ लॉ कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं आती है, वो खुद के लिए कर रहे हो। बराबर, तो लॉ कहता है कि अगर ऐसा है तो बगैर कॉन्ट्रैक्ट, बगैर कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है एब्सोल्युटली वैलिड। चलिए जी, सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी, सर ये क्या चीज है, सर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल हो गया। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉमिस किया जाता है पास्ट वॉलंटरी, अब यहां फर्क था, पास्ट कंसिडरेशन तो आपकी डिजायर पे था, बराबर, या डिजायर पे नहीं था, डिजायर पे था, लेकिन अगर सीधा सीधा सा बात हो गया, जो एग्जांपल आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था पास्ट वॉलंटरी का, बराबर, बात को समझिएगा। बराबर, अगर कोई काम मेरी रिक्वेस्ट पर किया गया था, जो गाड़ी वाले ने बाहर गाड़ी साफ की, अगर मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं पे करूंगा, वो यहाँ कवर है बच्चों पास वॉलंटरी में। सर लेकिन आपने एग्जांपल तो वहां दिया था, बिल्कुल सही है बच्चों, वहां एग्जांपल। अब उस एग्जांपल को यहां से मेरे सामने कनेक्ट कर लीजिए, अगर मेरी रिक्वेस्ट पर किसी ने मेरे लिए काम किया लेकिन उस वक्त मैंने कंसिडरेशन ऑफर नहीं किया था, समझिएगा, उसने काम कर दिया, कहानी खत्म हो गई, लेकिन अब अगर मेरी तरफ से उसको प्रॉमिस किया जाता है तो वो मैटर था पास कंसिडरेशन का। यहाँ पे प्योर उसने बाहर आकर के मेरी गाड़ी साफ कर दी, बराबर, इसलिए वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। बराबर, मेरी गाड़ी साफ कर दी और अब मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया बच्चों, तो मैं ऐसी चीज के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ जो काम मेरे लिए वो ऑलरेडी कर चुका है, इट इज अ मैटर ऑफ पास वॉलंटरी सर्विसेज, आपको ध्यान में रखना है। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर पास कंसिडरेशन क्या है और पास वॉलंटरी सर्विसेज क्या है, तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर मेरी रिक्वेस्ट पे किसी ने कोई काम है, दोनों ही वैलिड बच्चों, खास बात समझो, है दोनों के दोनों वैलिड ही, चाहे पास वॉलंटरी सर्विसेज हो तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बराबर, क्योंकि एक्सेप्शन पढ़ रहे हो, पर पास कंसिडरेशन तो वैलिड है ही है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मेरी रिक्वेस्ट पर किसी ने कोई काम किया है बच्चों, पहले तो बगैर कंसिडरेशन के किया था, बाद में मैंने कंसिडरेशन ऑफर कर दिया, तो वो पास कंसिडरेशन है, बराबर। और अगर किसी ने वॉलंटरी अपनी मर्जी से मेरे साथ में कुछ काम किया, मेरे लिए कुछ काम किया, कार वाले का एग्जांपल सेम, वो वहां पे इसलिए आपको एग्जांपल दिया ताकि यहां अब आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओ कि उसने वॉलंटरी एक्ट किया, अब मैंने प्रॉमिस किया ऐसे चीज के लिए जो मेरे लिए ऑलरेडी कर चुका है बच्चों, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा कवर हो जाएगा, है दोनों ही दोनों चीजें वैलिड।
चलिए जी बच्चों, गिफ्ट अगर किसी को दिया जाता है तो वैलिड होता है, और गिफ्ट के साथ तो वैसे भी कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन लॉ उसको एब्सोल्युटली वैलिड मानता है। गिफ्ट डीड बनती है अपने आप ही, किसी को आपने गिफ्ट कर दिया तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में माना जाएगा। सेम बच्चों, हाँ आप लोग पढ़ेंगे अगली में इंटर में जाकर के एजेंसी जिस वक्त में बनती है बच्चों, उस वक्त कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। लॉ का फिक्स पॉइंट है कि जब एजेंसी क्रिएट होती है तो जरूरी नहीं है उस वक्त कंसिडरेशन। आपको बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था कि हमने आपका, आप किसी और शहर में रहते हैं, वहां हमने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, किसी को एजेंट बना दिया, एजेंट बनाते वक्त कोई कंसिडरेशन फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन चूंकि सामने वाले बंदे को हमने ऑथोराइज कर दिया है, हो सकता है लेटर दे दिया हो, तो भले ही हमारे बीच में कंसिडरेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है लेकिन वो हमारा एजेंट बन चुका है, उसने जो भी कुछ वहां पे किया हमारे नाम से उसके लिए हम बाउंड हो जाएंगे। बराबर सेम बच्चों, चैरिटी वाला पॉइंट याद आया आपको, अगर किसी ने चैरिटी दे दिया है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन अगर चैरिटी के लिए सिर्फ प्रॉमिस किया है बच्चों, प्रॉमिस किया है तो मैं पे करने के लिए लायबल नहीं हूं। कब तक? अगर जो बंदा जिसको मैंने प्रॉमिस किया था, जो प्रॉमिस ही है, वो मेरे प्रॉमिस के बिहाफ पे अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट कर चुका है बच्चों, लायबिलिटी क्रिएट कर चुका है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि मैं वहां पे उतना अमाउंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। सर कितना अमाउंट दोगे? जितना प्रॉमिस किया और जितना लायबिलिटी रेज हुआ बच्चों, वेर इज लेस। मैंने प्रॉमिस किया था 5 लाख ले लीजिए और अपने वहां पे वाटर कूलर लगवा लीजिए, अपने स्कूल में वाटर कूलर लगवा लो। अब वाटर कूलर का खर्चा आपका 3 लाख रुपए का हुआ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पे 3 लाख। बराबर वाटर कूलर का खर्चा 6 लाख हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पे 5 लाख ओनली। अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चों टाइम बाय डेट सब जानते हो ना, किसी लोन की रिकवरी करनी है और अगर उसको 3 इयर्स हो चुके और आपने सूट फाइल नहीं किया, रिकवर नहीं करने की कोशिश की, तो आपके राइट्स हाथ से गए। लेकिन 3 साल बाद भी बोरोवर अगर रिटर्न के अंदर आपको दे देता है, साइन करके दे देता है बच्चों, यहाँ रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, तो टाइम बार होने के बाद भी वो आपका जो लोन अमाउंट है बच्चों वो वैलिड हो जाएगा। इवन उसके लिए कोई नया कंसिडरेशन अपने को देने की जरूरत वहां पे नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, तो फटाफट से हमारा टॉपिक खत्म हो गया। लास्ट में बच्चों सबसे लास्ट पॉइंट क्या कहता है, बेलमेंट का। बेलमेंट क्या होता है? व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर सम गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पर्पस अदर पर्सन हैव, या सीधा सा अदर पर्सन हैव ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रांसफरर। सर क्या बोला आपने? मैंने सिंपल बोला बच्चों कि इन केस ऑफ बेलमेंट वन पर्सन ट्रांसफर गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पर्पस ही हैज राइट टू रिटर्न बैक हिज गुड्स, टेक बैक हिज गुड्स। बराबर, पुराना एग्जांपल अपना गाड़ी रिपेयर के लिए दी है, पर्पस पूरा होगा, गाड़ी मेरे पास वापस आएगी, मैं जोधपुर से 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मैंने गुड्स आपके पास में रखे हैं, 10 दिन बाद आपसे गुड्स वापस ले लूंगा बच्चों। और लॉ कहता है कि ये वाले जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो विद कंसिडरेशन भी होते हैं, विदाउट भी होते हैं, है ना। तो विद वाला है तब तो कॉन्ट्रैक्ट है ही, विदाउट वाला है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होगा। हो सकता है सर्विस हो रही है गाड़ी की, वो मुझसे फ्री सर्विस के अंदर है। बराबर, आप मेरे गुड्स अपने पास में 10 दिन के लिए रख रहे हो, आप मुझसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हो, फिर भी हमारे बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है बच्चों, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, चैप्टर खत्म हो गया। मेन चीज ध्यान में रखनी है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, चनैया वर्सेस रमैया वाला, वहां से आप लोग वीडियो को जरूर देख लोगे, लिंक दे दूंगा मैं। सेकेंड नंबर, पास वॉलंटरी और पास कंसिडरेशन। बच्चों वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल, बाहर जो अपने आप से सर्विस करके गया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। लेकिन यही मेरी रिक्वेस्ट पे काम किया होता तो यहाँ पे यही मैटर बच्चों पास्ट कंसिडरेशन के अंदर चला जाता, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आपको लेकर के चलता हूं मैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हाँ जी, तो बच्चे लोगों अगला चैप्टर आप लोगों का फेवरेट चैप्टर, सुपर फेवरेट चैप्टर आ गया, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है, आप लोग सब जानते हो, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी होना चाहिए, जो 3 लोगों में नहीं होता है बच्चों, माइनर, अनसाउंड माइनर, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। चलिए जी, माइनर इन जनरल हमने माइनर की एज रखी 18 से अगर आप कम हैं तो आप इनएलिजिबल हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 18 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो नाउ यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यही चीज अगर किसी माइनर का प्रॉपर्टी कोर्ट लुक आफ्टर कर रहा है बच्चों, कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया है, कोर्ट से लुक आफ्टर हो रही है, तो यही पर्सन मेजर होगा 21 ईयर के अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इन जनरल को 18 है, लेकिन कोर्ट से अगर प्रॉपर्टी मैनेज हो रही है तो मेजोरिटी केस हो जाएगी 21 साल। चलिए जी, माइनर के साथ एग्रीमेंट बच्चों कॉमन पॉइंट है, सबको आता है, माइनर के साथ
एग्रीमेंट होता है वॉइड एब इनिशियो, मौरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, सबको याद होना चाहिए बराबर, जहां माइनर ने कुछ पैसा जो है उधार पे लिया और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है। अब लॉ कहता है माइनर न तो लोन वापस रीपे करने के लिए बाउंड है और न उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन होकर सेल होगी, वो भी उसको वापस मिल जाएगी बच्चों, क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, आपको यहाँ उसके अगेंस्ट में राइट्स मिलने वाले नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है माइनर, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया बच्चों, यही कॉन्ट्रैक्ट उल्टा कर दो, माइनर को अगर पैसा दिया गया है, अच्छा इसके लिए बेस्ट एग्जांपल याद रखो ना पार्टनरशिप वाला, माइनर कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर बेनिफिट्स ओनली, याद रखिए वहां लायबिलिटी कहां क्रिएट हो रही है, अपने पढ़ा माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं बना सकता है, लेकिन बेनिफिट तो ले ही सकता है ना, तो माइनर ऑलवेज क्या है बेनिफिशियरी। अब बच्चों एक माइनर ने माइनॉरिटी के टाइम पे कोई भी एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन मेजर होने के बाद बच्चों उसको रेटिफाई का मतलब जो पहले हो गया है काम उसको बाद में जाके अप्रूव करना, अप्रूवल या गिव कंसेंट ऑन पास्ट एक्ट, उसको हम कहते हैं रेटिफाई। तो आपने क्या लिखा माइनर कैनॉट रेटिफाइज एग्रीमेंट आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, यस माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है माइनर का एग्रीमेंट वॉइड था और वॉइड ही रहेगा बच्चों बाद में मेजर होने के बाद, भाई 17 साल की एज में मैंने एक माइनर जो है उसको पैसा उधार पे दे दिया 10,000 रुपया 17 की एज में, अब जब वो 18 कंप्लीट कर लेता है फिर मैं उसकी कंसेंट ले लेता हूँ, वेदर रिटर्न में कंसेंट ले लेता हूँ कि वो मुझे पैसा पे करेगा, तब भी बच्चों ये वैलिड होने वाला नहीं है याद रखिएगा। और बच्चों माइनर ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी, इफ माइनर अपना एज को मिसरीप्रेजेंट करके अदर पार्टी के साथ डीलिंग कर लेता है, माइनर आया मेरे पास सर पैसा उधार दे दो, मैंने कहा नहीं तू तो माइनर लग रहा है, बोले नहीं सर प्रूफ देख लो, फोटोस्टेट देखो, मैं तो मेजर हूं, स्कूल का मार्कशीट देख लो, और मैंने उस पर भरोसा करके उसके साथ डीलिंग कर ली बच्चों, तब भी जो वॉइड था वो वॉइड रहेगा, वो हमेशा प्लीड कर सकता है, हमेशा ही आर्ग्यू कर सकता है, हर केस में बोल सकता है कि मैं तो कौन हूं बच्चों, माइनर हूं और बच जाएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैंने अभी आपको कहा माइनर किसी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता है, सिर्फ वो पार्टनर्स की कंसेंट से बेनिफिट्स के लिए आ सकता है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है, फटाफट करेंगे बच्चों। माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, लॉ अलाउ नहीं करता है बच्चों, माइनर एजेंट तो बन सकता है किसी का, क्योंकि एजेंट वैसे भी कोई काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल ही लाई होता है, लाइबल कौन है प्रिंसिपल है, इसीलिए माइनर एजेंट तो बन सकता है लेकिन प्रिंसिपल की जगह पे नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो लाइबल फिर एजेंट होने वाला है ना। अच्छा अक्सर आप एक क्वेश्चन पूछते हो सर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों माइनर हुए तो क्या हुआ, बच्चे जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया बेचारे की कलम फूट गए बराबर, मरा हो तो क्योंकि ना इसको लाइबल कर पाएगा ना उसको लाइबल कर पाएगा, सर तो माइनर आपस के अंदर एग्रीमेंट कर ले दो बच्चों, माइनर आपस में एग्रीमेंट कर ले दो तो वॉइड ही रहने वाला है। अब अगर बेनिफिट्स रिटर्न हो सकते हैं, अपन ने पढ़ा है ना रिस्टोरेशन वाला रेस्टिट्यूशन वाला पॉइंट, तो लग जाएगा, नहीं तो जिसने बेनिफिट ले लिया उसके मजे हो गए, बाकी कोई राइट्स नहीं, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चों माइनर के पेरेंट्स की बात करें तो जब माइनर के ही एग्रीमेंट वैलिड नहीं है तो उसके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होने वाले नहीं है, लेकिन अगर माइनर के पेरेंट्स को लायबल अपन कब कर सकते हैं, जब माइनर काम कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ पेरेंट्स। सर कैसे, आपको एग्जांपल दिया मैंने, पापा ने बोला बेटा सामने वाली दुकान से मिठाई लेकर के आ जा, अब आप वहां पे अपने फादर के एजेंट की तरह से जा रहे हो तो जो आपने परचेज किया उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो अगर वो पेरेंट्स का एजेंट है तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज पेरेंट्स भी माइनर के एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए जी नाउ बच्चों गार्जियन वाला पॉइंट, सर गार्जियन कौन होता है बच्चों, कोर्ट अगर बीच में है तो कोर्ट कई बार माइनर की प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करने के लिए, माइनर को लुक आफ्टर करने के लिए एक गार्जियन को अपॉइंट करता है। तो सर गार्जियन क्या क्या कर सकता है, बेटा गार्जियन माइनर के बेनिफिट के लिए अपनी ऑथोरिटी में कोर्ट ऑथोरिटी देती है उसमें सब कुछ कर सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर इज बाइंडिंग ऑन हिम, या हिम का मतलब है बच्चों माइनर का प्रॉपर्टी, भाई कोर्ट ने तो गार्जियन अपॉइंट कर दिया, गार्जियन अपनी पॉकेट से थोड़ी पैसा देगा, माइनर के बेनिफिट के लिए जो भी उसने खर्चा किया उसकी एजुकेशन के लिए किया होगा, उसके खाने पाने के लिए किया होगा, उसके रहने के लिए किया होगा, शेल्टर फूड क्लोथ जो भी कुछ है उसके लिए माइनर की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन ये गार्जियन बच्चों खुद कॉम्पिटेंट होना चाहिए और अपने पावर्स में रह करके काम करे जो अथॉरिटी कोर्ट ने उसको दी है और माइनर के बेनिफिट के लिए काम करे। हालांकि गार्जियन कई सारे ऐसे काम है जो नहीं कर पाएगा बच्चों, उसके लिए कोर्ट का परमिशन चाहिए, सपोज करो कल को माइनर के लिए इमोवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना है या इमोवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करना है तो ही हैज टू गेट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, उसके बाहर जाकर के वो काम नहीं कर पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ गया,
A minor is liable for the necessity supplied to him or his dependent. क्या मतलब हो गया इसका? Minor is liable for the necessity supplied to him or his dependent. अब minor को सिर्फ एक ही चीज में responsible कर सकते हो, जब life की necessity उसको supply हो रही है उसके लिए आप उससे पैसा रिकवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी बच्चों आप सब जानते हो पर्सनली लायबल नहीं है. अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो लायबल होगी. सर लाइफ की नेसेसिटी में क्या आएगा बच्चों? फूड है, क्लोथ है, एजुकेशन है, शेल्टर है, है ना. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसके अंदर कवर है. और बच्चों सिर्फ ये लाइफ की नेसेसिटी नहीं, इसके लिए अगर उसने लोन भी लिया है तो उसके लिए भी उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी. पुराना एग्जाम्पल याद करो, है ना, कि एक माइनर वहां पे है और उस माइनर को कॉलेज का फीस भरना है बच्चों, उसके लिए उसने पैसा उधार पे लिया है, तो उधार देने वाला माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है क्योंकि एजुकेशन लाइफ की नेसेसिटी में है. उसके लिए लोन लेना भी लाइफ की नेसेसिटी में कवर हो जाएगा. और बच्चों ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जाता है, नेसेसिटी सप्लाई टू इनकैपेबल पर्सन. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहां से तो देना ही देना, साथ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस भी जरूर लगा देना. चलिए जी, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन हुआ? अनसाउंड माइंड. चलिए जी फटाफट से देखो, आपको सबको पता है सर अनसाउंड माइंड का क्या चक्कर है. तीन लोग है बेटा, सबसे पहले लुनेटिक्स हो गए, दूसरे इडियट्स हो गए. इडियट्स बच्चों वो पर्सन हो गया जो बाय बर्थ ही मेंटली डिस्टर्ब है और उसके साथ एग्रीमेंट एब्सोल्यूट वॉइड एब इनिशियो होगा, जैसे माइनर के साथ में होता है शुरू से ही वॉइड. बराबर सर, लुनेटिक कौन हो गए? ये ऐसा पर्सन हो गया बच्चों जो बर्थ से तो अनसाउंड माइंड नहीं है, ड्यू टू सम रीजन, वेदर मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया, कोई डिजीज हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बच्चों, अगर ये साउंड माइंड का हो. सर अभी तो आप बोल रहे थे अनसाउंड माइंड का, बच्चों ल्यूनेटिक्स और एज वेल एज ड्रंकन पर्सन, है ना, जो बहुत चढ़ा रखी है या किसी ड्रग्स के इफेक्ट के अंदर है. अभी ड्रग्स तो आप खूब सुन रहे हो भाई, पूरे न्यूज़पेपर के अंदर भरा हुआ आ रहा है, बॉम्बे के केसेस जो सारे हैं, फिल्म पूरा नगरी जो है वो ड्रग्स खूब सुन रहे हो आप. तो अगर कोई पर्सन उसके इफेक्ट में है, बराबर, बहुत सीधा सीधा सा है, आप कोई आदमी नशे के अंदर घूम रहा है बढ़िया, उसको पिला विला दिया, ड्रग्स दे दिया, शराब वराब खूब पिला दिए और पूरी प्रॉपर्टी उसकी जो है अपने नाम पे लिखवा ली, गिला भैया प्रॉपर्टी का पेपर साइन वाइन कर दे, आपको क्वेश्चन भी दिया मैंने ऐसे, है ना, प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा दी. सुबह भाई एकदम होश में आया तो उसका दोस्त आया, निकल घर से बाहर, देख तूने पेपर साइन किया है, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी है, तो ये वैलिड होने वाला नहीं है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया अनसाउंडनेस के टाइम पे. बराबर, तो इडियट्स की कैटेगरी में तो हमेशा अवॉइड ही होगा, लेकिन ल्यूनेटिक कभी कभी साउंड माइंड, कभी कभी अनसाउंड माइंड हो सकते हैं. तो जब साउंड माइंड के होंगे बच्चों तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, अनसाउंड माइंड के होंगे तो बट ऑब्वियस एग्रीमेंट वॉइड है. सेम यहां पे भी है ना, सेम ल्यूनेटिक की तरह. द साउंडनेस ऑफ माइंड देखा जाता है बच्चों सिर्फ कब? जिस वक्त में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया. कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आप अनसाउंड थे, बाद में अनसाउंड हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता. At the time of making contract, उस वक्त आप soundness में थे, unsoundness में थे, उसका effect यहाँ पे पड़ने वाला है ना. A person जो usually unsound mind रहता है बच्चों, जो usually जो मान लो उसका mind गड़बड़ भी रहता है, लेकिन वो भी contract में enter कर सकता है सिर्फ एक ही time पे बच्चों, जब वो sound mind का हो. तो आपको सिंपल चीज ध्यान में रखनी है बच्चों कि idiots के साथ में जो agreement किया था वो absolutely void था क्योंकि उसका दिमाग सही होना ही नहीं है. बाकी दोनों केसेस में पार्टली हो सकता है बच्चों, तो उस वक्त में वो एग्रीमेंट कर सकता है जब वो साउंड माइंड में हो. अनसाउंड माइंड के टाइम पे किया गया एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड होगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. चलिए जी एकदम आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए, फटाफट रिवीजन है बच्चों, फास्ट ट्रैक चल रहा है. डिस्क्वालिफाइड पर्सन, एलियन, एनिमी, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो हमारी 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 एनिमी कंट्री का सिटीजन है, बोल भाई आप कहते हो पाकिस्तान, बच्चों डिक्लेयर्ड, जिसके साथ हमारी वॉर डिक्लेयर हो चुकी है, बात आप ध्यान रखो कि एनिमी कंट्री हम उसको बोल रहे हैं जिसके साथ वॉर डिक्लेयर हो चुका है. तो अगर वॉर डिक्लेयर हो चुका है तो उस पर्सन के साथ में, उस कंट्री के सिटीजन के साथ में अगर डीलिंग हो भी गई तो कोर्ट कहां, कौन सी कोर्ट के अंदर आप केस कर पाओगे, इसीलिए लॉ कहता है. अच्छा बच्चों एक चीज समझो, डिस्क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पर्सन अपन पढ़ेंगे वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, उनकी कैपेसिटी ऐसी है कि उनके अगेंस्ट में हम अपने इंडियन कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर पाएंगे. तो आज एनिमी किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर स्टार्ट हो गया, अब उसके किसी सिटीजन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, कल को ब्रेक हुआ, तो लीगल राइट्स आपको मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना, लेकिन एलियन फ्रेंड है तो आपको जरूर राइट्स मिलने वाले हैं. चलिए जी, कई लोगों के डाउट आया सर ये फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन सॉवरेन क्या होता है? बच्चों आपने इतनी सारी मूवीज देखी है भाई, आपने पीके देखी है ना, तो लास्ट में वो बोलता है पाकिस्तान एम्बेसी, एयरलिफ्ट अगर अक्षय कुमार की देखी हो तो वहां पे भी एम्बेसी का नाम आया है. बराबर, तो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे रखने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के यहाँ भेजती है. इंडिया ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कंट्रीज में भेजे हुए हैं, दे आर कॉल्ड एम्बेसडर्स. तो वैसे ही अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर इंडिया के अंदर भी है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट. बराबर,
तो अब चूंकि इंडियन कोर्ट में उनके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना केस नहीं हो सकता है बच्चों, इसलिए उनको भी इस कैटेगरी में रखा कि उन पर नॉर्मली आप सूट फाइल नहीं कर पाओगे। कन्विक्स कौन होते हैं बच्चों? जेल के अंदर है बहुत, अभी तो बहुत लोग जेल के अंदर है, बड़े बड़े बाबा बाबा सब कुछ जेल के अंदर है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट बच्चों, जब वो जेल में है उस वक्त में इनकम्पिटेंट है। सर बाहर आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सर अंदर जाने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब तक बाहर नहीं आ जाते कुछ नहीं होने वाला है बराबर से, तो इनकम्पिटेंट रहेंगे एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उन पर सूट फाइल भी नहीं हो सकता है बच्चों। अंदर ही उनके साथ तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया पर कल को उन्होंने पूरा नहीं किया तो उनके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं होगा। भाई कन्विक्शन का मतलब यही है कि आपके जो बेसिक राइट्स हैं वो वहां पे रोक दिए जाते हैं, इस तरह के आपके लीगल राइट्स रोक दिए जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्विक्ट। बच्चों इंसॉल्वेंट बंदा क्या डीलिंग करेगा समझो, इंसॉल्वेंट वो प्रॉपर्टी जो रिसीवर को ट्रांसफर कर चुका है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, समझिएगा। दो बातें इसके अंदर है, विजय मान लिया इंसॉल्वेंट हो गया, अब दिवालिया हो गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन होने वाली है। अब वो उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या मतलब निकलेगा, वो तो वैसे भी कोर्ट के पोजीशन में प्रॉपर्टी जा चुकी है तो वो डीलिंग ही कर रहा आपके लिए बेवकूफी हो जाएगी। कल को आपने डीलिंग करके विजय मालिया को 50 करोड़ दे दिए है ना, अब आप वो प्रॉपर्टी लेने के लिए पहुंच रहे हो, आपको पता लग रहा है पहले से ही कोर्ट उसको अटैच कर चुका है, अटैच का मतलब अपने पोजीशन में ले चुका है, तो आप तो मारे गए यहाँ पे। तो ये बंदा अच्छा, अब उसके ऊपर केस भी करने जाओगे तो क्या केस करोगे, पैसा तो आपका मिलना नहीं है, बंदा इंसॉल्वेंट है। तो लॉ कहता है कि ऐसे बंदे भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इंसॉल्वेंट कुछ करेगा ही नहीं, कल को खाने के लिए भी सामान लाएगा, कल को कहीं जाके नौकरी भी करेगा। तो हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के जो भी है, जो प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफर हो चुकी है जो कुछ है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। अच्छा आप ये भी जानते हो कि कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट देता है इसके लिए, इंसॉल्वेंट जो भी बंदा डिक्लेयर होगा उसके लिए कोर्ट इसको एक सर्टिफिकेट देता है बराबर, और एक टाइम के बाद में वापस सर्टिफिकेट डिस्चार्ज भी करता है, फिर ये हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाएगा। चलिए जी आखिरी पॉइंट बच्चों, अब चूंकि तुमने कंपनी लॉ सबने पढ़ लिया है तो अब ये पॉइंट तो तुमको सबको आ गया, अल्ट्रा वायरस तुम पढ़ चुके हो, अगर कोई चीज अल्ट्रा वायरस है तो कंपनी इनकम्पिटेंट मानी जाएगी, कंपनी पर उसके लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो। याद करो अपना ऐश्वरी रेलवे कैरेज इन आयरन कंपनी वर्सेज डीके वाला केस, तो जिसने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया उसके लिए अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यहां पर आकर के आपका टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 भी मैंने करवा दिया है कंप्लीट, ठीक है बच्चे लोगों। तो वापस से आपको बोलूंगा बच्चों, फास्ट ट्रैक रिवीजन है ये, फास्ट ट्रैक रिवीजन है। मैं फिर से ये मान के आपको बता देता हूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, बस एक बार मेरे साथ सुपर फास्ट रिवाइज हो जाएगा तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है बच्चे लोगों। तो ये थी हमारी आज की बात, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए बच्चों, एग्जाम से पहले का आखिरी महीना है, खूब सारा आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर सेहत नहीं संभली तो पढ़ाई भी नहीं संभलेगी। चलिए बच्चों फटाफट आपसे वापस मुलाकात होगी अगले रिवीजन वीडियो में, रिव्यू दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर आपको यूजफुल लगता है तो, आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे और पूरे कोर्स के आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर।